हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जो अगला चैप्टर एमपीएससी 04 का पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है साम्यवादी विचारधारा, जिसमें राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको दे रखा है। यहाँ पर स्टूडेंट मेनली आपसे जो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, जिस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, वो चीज़ें इसमें मैंने ऐड करी है। आपका जयप्रकाश नारायण की साम्यवादी विचारधारा क्या है और राम मनोहर लोहिया की, और स्टूडेंट जो भी टॉपिक आपका रह जाता है वो आपको जो है नोट्स उसके प्रोवाइड हो जाएंगे। व्हाट्सअप पे आप जो है कॉन्टैक्ट करके हमसे ये नोट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे पहले हम जो है साम्यवादी विचारधारा के जयप्रकाश नारायण ने इस पे क्या विचार थे उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जो है, जेपी नारायण जिन्हें कहा जाता है, इसे जो है समाजवाद का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। और ये गांधी जी ने कहा था कि गांधी जो जयप्रकाश नारायण है ये समाजवाद के सबसे बड़े विद्वान हैं। और इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी समाजवाद क्यों, उसमें इन्होंने जो है अपने समाजवाद के बारे में लिखा था। इन्होंने समाजवाद एक व्यक्तिगत आचरण संहिता ना होकर सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है, और जिसका उद्देश्य ये है कि पद संस्कृति और अवसर की विषमताओं को दूर किया जाए। यानी कि इन्होंने समाजवाद के बारे में अपनी जो राय दी थी वो अपनी पुस्तक समाजवाद क्यों में दी थी, और इन्होंने उसमें बताया था कि समाजवाद जो है ये एक व्यक्ति की जो है मांग नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय की और समुदाय को या पूरे संगठन को जो है एक अवसर की समानता देना, और जो है मतलब जितनी भी सामाजिक बुराई हैं उनको दूर करने का जो है लक्ष्य है समाजवाद। उसके बारे में इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में लिखा था, वह उस स्थिति को समाप्त किया जाए जिसमें अधिकतर व्यक्ति निर्धनता, भूख, गंदगी, रोग और अज्ञान का जीवन गुजारते हैं। मतलब समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों के लिए हमें कार्य करना चाहिए, और जिसमें अधिकतर व्यक्ति निर्धनता, भूख और जो है गंदगी से जो हमारे समाज में जो ये सब चीज़ें हैं इन कमियों को दूर किया जाए। तो यहाँ पे इनके समाजवादी विचारधारा का इन्होंने जो है यहाँ पे सपोर्ट किया था जयप्रकाश नारायण ने, और इन्होंने अपना जो सिद्धांत अपनाया था आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत, इसमें इनके जो है समाजवाद को लेकर ही इन्होंने कई उद्देश्य रखे, और उसका जो है कुछ समाधान अपने तरीके से इन्होंने निकाला था। कुछ जो है ऐसे प्रयास किए थे जिससे कि हमारे समाज में इसका कमियां दूर की जा सके, और समाजवादी विचारधारा के द्वारा हम जो है ये सभी चीज़ें ख़त्म करने के लिए जो है यहाँ पे लक्ष्य रखें। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार सबसे पहला जो उद्देश्य यहाँ पे माना गया वो था समाज का विकास करना। इनके अनुसार यहाँ पे सामाजिक पुनर्निर्माण का जो उन्होंने सिद्धांत अपनाया था, आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत, इसमें इनका मुख्य उद्देश्य समाज का विकास करना था। और भी इनके उद्देश्य थे, तो इसके लिए इन्होंने जो है जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाज में अत्यधिक और समानता का कारण उत्पादन के साधन पर सिर्फ कुछ ही लोगों का एकाधिकार होना है। यानी कि समाज में जो असमानता का कारण है इन्होंने बताया है वो कि लोगों के जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर सिर्फ कुछ ही लोगों का, खासकर जो अमीर लोग होते हैं, जो उच्च वर्ग के होते हैं, उन्हीं का जो है हक होता है उस पर। सबसे ज़्यादा वही लोग जो है यहाँ पर राज चलाते हैं अपना। तो इसी एकाधिकार की वजह से हमारे समाज में जो है असमानता है। वह यदि प्रत्येक व्यक्ति को ये साधन उपलब्ध करा दिए जाएं, तो दरिद्रता और आर्थिक विषमताएं बड़ी सीमा तक समाप्त हो जाएंगी। समाजवाद के द्वारा इन्होंने ये लक्ष्य रखा था कि हमारे समाज में जितने भी उत्पादन के साधन हैं और उस पर लोगों का एकाधिकार है, वे ये सभी एकाधिकार को अगर हटा दिया जाए और सभी को साधन प्राप्त करवा दिए जाए, तो यहाँ से समाज से दरिद्रता और जितनी भी आर्थिक विषमताएं हैं, कमियां हैं, वो सब जो है समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, इन्होंने समाजवाद का उद्देश्य आधार उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करना था। यानी जो उत्पादन के साधन हैं उसमें सभी को समान बंटवारा यहाँ पे देना था। इसके लिए ये आवश्यक है, इन्होंने मतलब माना कि इसके लिए आवश्यक है कि भू स्वामित्व जोतने वालों के हाथों में और सहकारी कृषि को प्रोत्साहित किया जाए। यानी भू स्वामित्व को जो है जो वहाँ पे ज़मीन पे जो भी खेती कर रहे हैं, जोत रहे हैं, उनके हाथों में हमें दिया जाए। वहाँ पे उस टाइम पे जो है सारा जो भू स्वामित्व होता था, जिनके द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है ज़बरदस्ती, उनके हाथों में था। और जो लोग काम करते थे, जिनकी वो ज़मीनें होती थी, वो वहाँ पे एक दास की तरह, नौकर की तरह जो है सारा दिन काम करते थे।
तो यहाँ पे ये कहते हैं कि भू स्वामित्व जो है वो जोतने वालों के हाथों में होना चाहिए और सहकारी कृषि को हमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वह सभी स्वार्थी तत्वों को खत्म कर दिया जाए जो धूमे जोतने वालों को शोषण करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यानी वो चाहते थे कि सभी स्वार्थी तत्वों को जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो जितना भी उनसे काम ले रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए और जितने भी उस उनकी आमदनी भी उनको नहीं मिलती है और इतना जितना भी फ़ायदा होता है उसको भी जो है वही लोग रख लेते हैं जिन्होंने भी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया होता है, तो इन सब स्वार्थी तत्वों को ख़त्म कर दिया जाए, लोगों का जो है ऋण कम कर दिया जाए, इस तरह की अगर चीज़ें कर दी जाएँ तो समाज में जो है ये शोषण खत्म हो जाएगा और भूमि संबंधी ऋणों को समाप्त कर दिया जाए, संयुक्त कृषि पर ध्यान दिया जाए, वह राजकीय और सहकारी ऋण तथा बाजार व्यवस्थाओं सहकारी सहयोगी उद्योगों की स्थापना हो, इस तरह के जो है इन्होंने प्रयास बताए थे कि हमें समाजवाद में जो है उत्पादन का अगर सही बंटवारा करना है, समाजीकरण करना है तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी कि हमें जो है किसानों के ऊपर से ऋण उतार देना है जो भी खेती करते हैं और जो है यहाँ पर सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करना है, बाजार व्यवस्थाओं सहकारी सहयोग उद्योगों की स्थापना करना। जयप्रकाश नारायण का समाजवादी लक्ष्य देश को विदेश की गुलामी से मुक्ति दिलाना था और समाजवाद के द्वारा इनका अगला उद्देश्य था कि हमें जो है विदेश की गुलामी से मुक्ति दिलाना है, देश के लिए स्वाधीनता के बिना ये संभव नहीं हो सकता, मतलब कि हमें देश को स्वतंत्र करके उसकी गुलामी से उसे मुक्त करना है। जेपी ने इन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जिसमें श्रमिक किसानों ने धन मध्यम वर्ग में राजनीतिक चेतना का विकास है और उनके आर्थिक संघर्ष को संगठित किया जा सके, ऐसे कार्यक्रम कुछ किए जिससे कि वहाँ पे मध्यम वर्गों को उनके आर्थिक संघर्ष के लिए मतलब जो भी उनके हक की चीज़ें हैं उससे लड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, राजनीतिक चेतना का विकास किया जाए, इस तरह के प्रयास उन्होंने किए थे ताकि विदेश के खिलाफ जो ब्रिटिश लोग हैं उनके खिलाफ हम लड़े और अपनी गुलामी से मुक्त हो पाए। समाजवाद समाज की आर्थिक संरचना पर प्रकाश डालते हुए जयप्रकाश नारायण ने गृह उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को और छोटे उद्योगों को देश भर में स्थापना कर उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया था। यहाँ पे इन्होंने समाज के आर्थिक विकास करने के लिए यहाँ पे सिर्फ उद्योगीकरण करना और भी जो तरीके अपनाए जाते हैं इन सबको तो यहाँ पे महत्व दिया ही था, पर इन्होंने यहाँ पे जो कहा था कि अगर हमें सच में आर्थिक विकास करना है तो हमें जो हमारे कुटीर उद्योग है जो कहीं ना कहीं जो है खो गए हैं ब्रिटिशों के वजह से, जो हमारे हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, गृह उद्योग हैं, उन सबको अब प्रोत्साहित करना चाहिए, छोटे उद्योगों को देश भर में स्थापना कर उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, इससे जो है इन सब चीज़ों को हम बना के जो है ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, ज़्यादा जो है हम विकास कर सकते हैं। तो ये इनके समाजवाद के लक्ष्य थे कि इस तरह की जो है हम लक्ष्य बना के और इस तरह के काम करते हैं, किसानों पर से ऋण हटा के उनके कुटीर उद्योग को बढ़ा के और उनके जो भी सहकारी जो है कृषि को हम बढ़ावा दे सकते हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, शोषणों को ख़त्म किया जाए, इस तरह के लक्ष्य अपनाकर इन्होंने जो है समाजवाद की व्याख्या की थी और इसे भारत की जो भी नीति थी उसके साथ मिला के इन्होंने हमारे देश में जो है सुधार करने का प्रयास किया। यहाँ पे स्टूडेंट जयप्रकाश नारायण का आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इनके समाजवादी विचारधारा थी। और दूसरा आपसे पूछ लिया जा सकता है राम मनोहर लोहिया के बारे में, स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको उसका अगला पार्ट या फिर आपको जो है नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा ये चीज़, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको इसका अलग से वीडियो चाहिए या फिर आप नोट्स हमसे लेना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो आता है जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारधारा वो आपको बताइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।